हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विभू और आप लोग देख रहे हैं वेन्यू ब्लॉगर। तो फिलहाल मैं हूं बारकोट में और इस वक्त दोस्तों मॉनसून का टाइम चल रहा है। ब्राह्मणी रिवर जो कि बारकोट का एक सहारा बोला जा सकता है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे मछलियां पकड़ते हैं लोग। ब्रिज स्टार्ट होता है और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। और दोस्तों अभी बोलबम का महीने चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ बोलबम वाले जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों इस वक्त हम जो हैं मुंबई कोलकाता हाईवे के ऊपर हैं, जो कि ब्राह्मणी नदी क्रॉस करके जो जाता है, और यहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया है, साइन बोर्ड, जो कि यहाँ पे डिस्टेंस बता रहे हैं। कोलकाता यहाँ से 448 किलोमीटर, जमशेदपुर 282 किलोमीटर और केंदुझर 101 किलोमीटर। और दोस्तों यहाँ पे मछुआरा भी बैठे हुए हैं जहाँ पे मछली रखते हैं, और कई सारे मछुआरे आए नहीं हैं मछली बेचने के लिए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कितना मछली यहाँ पे पकड़ा गया है और बेचा जा रहा है। और भाकुर सॉरी, हाँ मंजी है ना। आप लोग जो मछलियाँ देखें, बहुत ही फ्रेश मछलियाँ थे जो कि आज सुबह सुबह पकड़ा गया है और बेचा जा रहा है। तो यहाँ का लगभग प्राइस है 160 रुपीस पर किलो के हिसाब से, और बहुत सारे मछलियाँ मिलते हैं, अच्छे मछलियाँ। अगर आप लोग नदी की तरफ जाएंगे, जैसे कि मेरा एक ब्लॉग है बालीराई, और वहाँ पे फिशिंग पॉइंट है जहाँ पे 80 रुपीस पर किलो के हिसाब से मछलियाँ मिलती हैं, तो देखा जाए तो बहुत सस्ते में मछलियाँ मिलते हैं जो। और हाँ गाइस, अभी जो बेच रहे हैं वो व्यापारी हैं जो नाव से पकड़ के लेके आते हैं और व्यापारियों को देते हैं। वो लोग 100 रुपीस करके देते हैं पर किलो के हिसाब से। तो कितना सस्ता है दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग नाव से नहीं लेके आएंगे तब भी बहुत चीप रेट में मिल जाता है। बारकोट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लॉक ऑफ देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये लोकेशन ब्राह्मणी नदी के किनारे देखने के लिए मिल जाता है। इट इज़ द प्रिंसिपल कमर्शियल, कल्चरल एंड एजुकेशन सेंटर ऑफ देवगढ़। बहुत साल पहले बारकोट देवगढ़ का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जो कि अभी एक मेजर बिजनेस सेंटर बन चुका है। 1985 में रेंगाली डैम बनने के बाद बहुत सारे गांव डूब गया, और गांव के लोग शिफ्टिंग करते हुए बहुत सारे छोटे छोटे गांव में डिवाइड हो गया। बारकोट बिल्कुल NH साइड में है जो दो बड़े शहरों को कनेक्ट करता है, और वो है कोलकाता एंड मुंबई। यहां से कोलकाता 442 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जबकि मुंबई यहां से 1552 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल जाता है। 1994 में देवगढ़ संबलपुर से अलग होके एक नया जिले में घोषित किया गया। इस जिले के भौगोलिक स्थिति देखें तो उत्तर में सुंदरगढ़, पूर्व में अनुगुल और पश्चिम में संबलपुर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से 60 किलोमीटर के अराउंड में विजिटिंग प्लेसेस देखा जाए तो प्रधानपाट वाटरफॉल, कुरुडकुट वाटरफॉल, खंडाधर वाटरफॉल, खुलुड़ी वाटरफॉल, दरगड़ी स्ट्रीम, निक्तिमाल टेम्पल और भी कई सारे खूबसूरत जगह देखने के लिए मिल जाता है। बारकोट एक ऐसी जंक्शन है जहाँ से राउरकेला, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, तालचेर, अनुगुल, ढेंकानाल, कटक, भुवनेश्वर, केंदुझर ऐसे ही बड़े बड़े शहरों को जाने आने के लिए मैक्सिमम बसेस एंड हायर व्हीकल मिल जाते हैं। यहाँ के दो नियरेस्ट बड़े रेलवे स्टेशन हैं राउरकेला एंड तालचेर, जो कि 100 किलोमीटर के अराउंड में मिल जाते हैं।
और यहाँ के नियरेस्ट एयरपोर्ट हैं झारसुगुड़ा, जो कि 160 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल जाता है। तो गाइस, बारकोड हमको बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ एयर मिलता है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, डस्ट फ्री एरिया है और यहाँ के नेचर आप लोग तो देख ही सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और कुछ चीज़ फ्रेश मिलता है, सब्जियाँ फ्रेश मिलते हैं, मछलियाँ फ्रेश मिलते हैं, तो बारकोड हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आपको बारकोड कैसा लगता है और उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मेरा चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत।